हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनु शर्मा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी विद्युत चालन यूनिट चल रही है। और बच्चों, जो इसमें हमने पिछली क्लास के जो टॉपिक पढ़े थे वो आपको अच्छे से पता है। उसमें हमने विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ा था और हमने उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करे थे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इस प्रकार देख लेते हैं। बच्चों, आज सबसे पहले हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे कि अगर एक से ज़्यादा प्रतिरोध हैं तो उन्हें हम किस प्रकार से संयोज उनको लगा सकते हैं एक साथ। उनके दो क्रम हम पढ़ेंगे, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बच्चों, जो हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यानी जो हम घरों में उपकरण यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं बच्चों, उसमें जो प्रतिरोध होते हैं वो कार्बन प्रतिरोध होते हैं। तो उसमें हम बच्चों पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड, क्योंकि कार्बन में जो होता है, जो प्रतिरोध होते हैं, कलर के हिसाब से अलग अलग कलर की स्ट्रिप बनी होती हैं, उनके गोल चक्कर बने रहते हैं और हर कोड का अपना एक निश्चित वैल्यू होती है। तो उसके हिसाब से किस प्रतिरोध की कितनी वैल्यू होगी इसे भी देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली हेडिंग, प्रतिरोधों का संयोजन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम पढ़ेंगे बच्चों। ये बिल्कुल उसी तरीके से हम थोड़ा सा देखेंगे जैसे हमने संधारित्रों का श्रेणी क्रम पढ़ा था। तो बच्चों, हम मान लेते हैं कि हमने तीन प्रतिरोध इस प्रकार से लिए हैं। एक प्रतिरोध R1 मान लो, दूसरा प्रतिरोध R2 मान लो और तीसरा प्रतिरोध R3 मान लो, ठीक है स्टूडेंट। बच्चों, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो पहला प्रतिरोध है, अगर इसका ये वाला सिरा हम थोड़ी देर के लिए A मान लें और इसका ये वाला सिरा B मान लें और R2 का एक सिरा C मान लें और ये वाला सिरा D मान लें, तो आप इसमें देखो कि जो सबसे पहला वाला प्रतिरोध है, जो सबसे लास्ट वाला प्रतिरोध है, सिर्फ उनके ही अंतिम सिरे और पहले सिरे आप देखो विद्युत स्रोत से जुड़े होते हैं, इस प्रकार विद्युत स्रोत, ठीक है बच्चों। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से, और इसको हम यहाँ पे की लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए और हमने इसको कनेक्ट कर दिया। की को हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से कर लेते हैं, इसका मतलब है कि हमारा सर्किट क्लोज है और धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों, एक बात ध्यान रखें, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो धारा श्रेणी क्रम में सब में समान प्रवाहित होती है स्टूडेंट, क्योंकि आप इसमें कह सकते हैं सभी जितने प्रतिरोध हैं उनको अगर हम देखें कि धारा प्रवाहित होने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, तो एक ही पाथ के अलोंग धारा चलती है और समान धारा प्रवाहित होगी। लेकिन बच्चों, बात यह आती है कि अगर इस विद्युत स्रोत का विभव हम वी ले लें तो इन प्रतिरोध के सिरों पर विभव कितना होगा। तो बच्चों, विभव क्यों है आप जानते हैं, स्थिति का फंक्शन होता है। जितना हम दूर जाते हैं किसी आवेश से उतना ही विभव चेंज होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस R1 प्रतिरोध का विभव कुछ और होगा और बच्चों R2 प्रतिरोध के सिरों का विभव कुछ और होगा और R3 सिरों के प्रतिरोध के बीच का विभव कुछ और होगा। तो बच्चों, सीरीज में श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होंगे तथा धारा समान प्रवाहित होगी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग है, कौन प्रतिरोध धारा प्रवाहित होने को कितना अपोज कर रहा है, कितना उसका हम कह सकते हैं उसको परेशान कर रहा है, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना वो उसका अपोज करेगा उतना ही हमारा विभव यूज होगा। तो विभव बच्चों हमेशा प्रतिरोध के हिसाब से ही जाते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों, इसमें हम एक बात देख लेते हैं कि हमें अगर हमने R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जोड़े तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो थोड़ी देख लिया बच्चों, आप एक बात ध्यान रखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V=IR, ये आप जानते हैं। यहाँ पे बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि वी हमारा कुल विभव है, आई हमारी कुल धारा है और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आर जो हमारा श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम का, ठीक है बच्चों। इस मामले को हम बच्चों अलग अलग प्रतिरोध के लिए अगर लेके चले तो सबसे पहले अगर मैं लेके चलू ए पार्ट, अगर मैं R1 के लिए लेके चलू तो R1 पे प्रतिरोध कितना है बच्चों, आप देखो R1 पे प्रतिरोध है बच्चों V1, तो धारा तो सेम है बच्चों और यहाँ पे आर के लिए हम लेंगे R1। इसी तरीके से बच्चों अगर हम B पॉइंट में ले R2 के लिए, तो R2 के लिए विभव कितना है बच्चों V2 और धारा सेम है R2 हो जाएगा। तो बच्चों लास्ट वाले का अगर हम देखें तो कितना होगा R3 के लिए, R3 पे विभव V3 माना है, धारा सेम है और ये होगा प्रतिरोध R3, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ से एक बात और समझानी चाहिए कि जिसका प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जिसका प्रतिरोध लेते हैं हम उसी प्रतिरोध पे विभव निकालते हैं, विभव सबके अलग अलग होगा, धारा सबके समान होगी। तो बच्चों ये कुल अगर हम तीनों को इन्हें जोड़े तो ये कुल विभव कितना होगा, कुल विभव उतना होगा जितना बच्चों विद्युत स्रोत का होगा। तो कुल विभव हम कह सकते हैं कुल विभव V=V1+V2+V3, ठीक है बच्चों। अब कुल विभव जो हमारे पास है वो कितना है बच्चों, धारा तो सारी सेम है आई और जो कुल तुल्य प्रतिरोध होगा आर, उसे हम कह सकते हैं आर श्रेणी क्रम का प्रतिरोध, ठीक है बच्चों। V1 कितना है बच्चों IR1 IR2 प्लस IR3, ठीक है बच्चों।
आई अगर कॉमन लेके काट दिया जाए तो कितना होगा बच्चों? हमारे पास आएगा आर श्रेणी क्रम में, ठीक है स्टूडेंट, आर हमारे पास आएगा श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में कितना होगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो बच्चों थोड़ा सा गौर करके मैं आपको ये बताऊं, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है बच्चों वो बढ़ जाता है, वो अधिक हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूले पे हमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आएंगे, और इसमें मैं आपको एक बात थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो तुल्य प्रतिरोध हमारा इसका क्या मतलब है। तो बच्चों तीनों प्रतिरोध मिला के अगर हम माने कि एक प्रतिरोध हमारा बन गया है, उसे हम आर श्रेणी क्रम में माने इस प्रकार से, और यहाँ पे जो हमारे पास विद्युत स्रोत लग रहा है वो इस प्रकार लग रहा है V, जिसे हमने क्या बोला है बच्चों V1 प्लस V2 प्लस V3, और बच्चों धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है I हो रही है। तो ये सर्किट हमें थोड़ा इस प्रकार से दिखाई देगा, तो आपको ये सब समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। इसमें हम बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं तो हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। अब बच्चों हम देखते हैं कि प्रतिरोधों का समांतर संयोजन किस प्रकार करते हैं। तो बच्चों अब हम समांतर क्रम में अगर देखें तो समांतर क्रम में प्रतिरोध किस प्रकार से जोड़े जाएंगे, तो इसे थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना, ये बिल्कुल अलग ही किस्म का हम देखते हैं। तो बच्चों अगर हम मानते हैं कि हमारे पास एक विद्युत स्रोत है, और वो हमारे पास प्रकार से विद्युत स्रोत हमने ले लिया, और उसका ये सिरा हमने प्लस से जोड़ दिया, और ये वाला सिरा बच्चों किससे जोड़ दिया? माइनस से। अब गौर से देखना बच्चों, हमने एक R1 प्रतिरोध लिया, एक हमने R2 प्रतिरोध लिया, और एक हमने R3 लिया, ठीक है बच्चों। बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि तीनों प्रतिरोध का एक सिरा कम से कम इस बिंदु से जुड़ेगा इस प्रकार से, यानी अगर मैं ए पॉइंट मान लूं तो ये स्रोत का धनात्मक धनात्मक है, धनात्मक हम कह सकते हैं पोल की तरफ जुड़ेगा। तो बच्चों इसी प्रकार हम एक बिंदु और ले लें, तो एक बिंदु से इस प्रतिरोध के दोनों सिरे, और इस प्रतिरोध का भी एक सिरा, और इसका भी एक सिरा इस प्रकार जुड़ेगा, इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो बच्चों ये हमें इस प्रकार से दिखेगा। इसमें बच्चों खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है बच्चों कि हर प्रतिरोध का एक सिरा विद्युत स्रोत के धनात्मक सिरे से और एक सिरा विद्युत स्रोत के ऋणात्मक सिरे से जरूर जुड़ता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार। तो बच्चों आप अब देख सकते हैं कि अगर मैं इस बिंदु को, इसका जो R1 R2 का अंतिम सिरा, इसको B मानूं, तो दोनों के दोनों जो बिंदु है इनके बीच में R1 R2 के दोनों सिरे जुड़ रहे हैं। तो बच्चों इन सब पे चूंकि दोनों बिंदु की स्थिति विद्युत स्रोत से सेम है, तो बच्चों इस पे जो विभव होगा वो R2 पे भी विभव होगा और वो R3 पे भी होगा। अगर हम बात करें जो इस पे विभव होगा बच्चों वो R2 पे भी विभव होगा और वो R3 पे भी, तीनों पे विभव सेम होगा। लेकिन बच्चों जब विद्युत स्रोत से धारा चलेगी तो धारा बिंदु A पे जाके तीन भाग में डिवाइड होगी और वो प्रतिरोध के हिसाब से होगी, क्योंकि यहाँ पे धारा के लिए अलग अलग पाथ है, तो धारा अपने अपने प्रतिरोध के हिसाब से डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे अगर I1 होगी तो यहाँ पे I2 होगी, यहाँ पे I3। बच्चों ये जो धारा इस प्रकार से प्रवाहित होंगी, अगर हम बात करें तो ये धारा यहाँ पे आके फिर से जुड़ जाएंगी और ये धारा विद्युत स्रोत में चली जाएगी। तो बच्चों एक बात तो तय है कि जितनी धारा धनात्मक सिरे से निकलती है उतनी धारा ऋणात्मक सिरे में आनी चाहिए। तो बच्चों इसमें हम अगर एक बात देख लें, हमारे पास जो एक फॉर्मूला है V=IR, तो वी तो सब में सेम है, इस बार हम आई की बात करेंगे, तो I=IR लेते हैं V/R, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच्चों मैं मान लेता हूँ जो आई है मेरी वो कुल धारा है, ये मेरी कुल धारा, इसको हम कुल धारा मान लेते हैं। आर मेरा बच्चों तुल्य प्रतिरोध है समांतर क्रम में, ठीक है, विभव तो सब पे सेम ही है बच्चों, अगर जितना विद्युत स्रोत का विभव है उतना ही सब प्रतिरोध पे विभव है। अब बच्चों सबके प्रतिरोध पे अलग अलग हम धारा निकाल लें, तो सबसे पहले अगर हम निकालें ए पार्ट R1 के लिए, तो बच्चों R1 पे धारा कितनी होगी? I1 लिख दें, विभव V R1, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों अगर दूसरे के लिए हम R2 के लिए निकालें तो कितनी होगी बच्चों? तो हो जाएगी R2 V/R2। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम CR3 के लिए निकालें तो कितनी हो जाएगी? I3 V/R3। तो बच्चों आप गौर से देख सकते हो, करंट सब में अलग अलग है, विभव सब में सेम है, और R1 R2 R3 अलग अलग है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं गौर से एक बात बताना चाहता हूँ, इन प्रतिरोध को मिला के कोई एक प्रतिरोध अगर हम मान लें कि ये प्रतिरोध बनेगा R3 इस प्रकार से, और वो अगर उसका सिरा विद्युत स्रोत से जोड़ा जाए थोड़ी देर के लिए, और उसका विभव कितना हो बच्चों? भी तो बच्चों उसमें कुल धारा कितनी होगी? I इस प्रकार से प्रवाहित होगी, तो हम कह सकते हैं जो टोटल धारा होगी बच्चों I, वो होगी I1 प्लस I2 प्लस I3, इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। तो अगर आप देखें स्टूडेंट, तो I कितना है हमारे पास? कुल धारा V/, जो तुल्य प्रतिरोध है समांतर क्रम का, ठीक है स्टूडेंट। I1 कितनी है? V/R1
और आई टू कितनी है वी अपॉन आर टू और आई थ्री कितनी है वी अपॉन आर थ्री। अब बच्चों आप देख सकते हैं वी सब में कॉमन आ रहा है, वी को हम सब में कैंसिल आउट कर देते हैं इस प्रकार से। हमारे पास क्या फॉर्मूला बचा, हमारे पास फॉर्मूला जो बच्चा बच्चों वो ये बच्चा वन अपॉन आर समांतर क्रम में और ये आएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो बच्चों गौर से अगर आप एक बात देखें कि जो समांतर क्रम में प्रतिरोध लगाए जाते हैं उसका एक तुल्य प्रतिरोध निकलता है, तो बच्चों कम होगा कि ज्यादा होगा। तो मैं आपको बता दूं जो सबसे अधिक प्रतिरोध वाला होगा या सबसे कम प्रतिरोध वाला प्रतिरोध होगा उससे भी कम हो जाता है तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध हमेशा कम होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों आज की लास्ट हेडिंग देख लेते हैं हम कार्बन कलर कोड की। तो स्टूडेंट अब हम कार्बन प्रतिरोध के बारे में समझना चाह रहे हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें देख सकते हैं कि बहुत टेबल सी आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा डाटा लगा है, तो देखने से घबराना नहीं है, ये थोड़ा सा समझदारी के साथ याद करे जाते हैं। तो बच्चों पहले मैं आपको बता देता हूँ कार्बन प्रतिरोधों का क्या यूज है। तो बच्चों जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं सब में कार्बन प्रतिरोध लगते हैं और प्रतिरोधों की एक बहुत बड़ी रेंज होती है हर इक्विपमेंट के हिसाब से। टीवी में अलग है, रेडियो में अलग है, सब में एसी में अलग है, सब में प्रतिरोध अलग अलग है। तो इतने प्रतिरोध याद कैसे करे जाएं, तो उनका एक तरीका बनाया गया, तो उन पे कलर बने होते हैं और उन कलर के हिसाब से फिर उनके कोड होते हैं, तो उनकी वैल्यू पता चल जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम टेबल देखते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा याद रखने वाली और समझदारी से बन जाती है। इसमें बच्चों कार्बन पे जो कलर होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, ब्लैक कलर होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, इतने ही कलर से किसी कार्बन प्रतिरोध की रेंज बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए कि हर कलर का एक नंबर डिसाइड किया हुआ है। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कलर उस कार्बन पे किस तरह से लिखे रहते हैं और कैसे उनके कलर बने होंगे, पर हम उस टेबल पहले देख लें। तो बच्चों अगर ब्लैक देखें, ब्राउन देखें, रेड देखें, तो सबके जो ब्लैक है बेटा वो जीरो से शुरू होता है और इस प्रकार से फिर वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करके लास्ट वाला जो वाइट है बच्चों नाइन तक जाता है। तो ये कलर आप देख सकते हैं, मैं इनको याद करने का भी तरीका आपको बताऊंगा बाद में, पहले आप इसको देख लें। इसी प्रकार बच्चों जो कार्बन रिंग में जो मैं आपको बताऊंगा जो उसमें कलर बने होते हैं, तो उनके जो नंबर हम कैसे दिखेंगे उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद बच्चों उसके जो रिंग बनी होती हैं, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे पास इस प्रकार से अगर आप देखें कार्बन प्रतिरोध इस प्रकार से होता है बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये कार्बन प्रतिरोध है बच्चों हमारे पास। तो बच्चों इसमें दो प्रकार से हम इसको समझेंगे, पहले सबसे पहले कलर की देख लेते हैं, उसमें कलर कैसे कैसे होते हैं। तो बच्चों ये उसका सिरा जो उपकरण से जुड़ता है, तो बच्चों इसमें इस प्रकार से कलर की वलय यानी रिंग बने होते हैं इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट। इसमें लास्ट वाला मैं आपको अलग कलर से दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा ये अलग कलर से दिखाता हूँ आपको। तो बच्चों इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जो सबसे पहला कलर होगा, सबसे पहला ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड, ठीक है बच्चों, थर्ड और ये फोर्थ। तो बच्चों जो पहले दो हैं, जो पहले दो कलर होंगे उसमें आप देख सकते हैं पहला प्रथम द्वितीय वलय, तो फर्स्ट और सेकंड जो रिंग है हमारे पास उनके जो भी कलर है उनके जो जो उनके नंबर है वो कितने लेने हैं। तो अगर हमारे पास पहला कलर ब्लैक है या ब्राउन है तो हम नंबर 0, 1, 2, 3 लेंगे और दूसरे के लिए भी बच्चों हमें इसमें से नंबर चूज करना है, ठीक है। जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों तीसरा वाला जो कलर है, तीसरा जो भी कलर है इनमें से अगर कोई भी कलर होता है, तो तीसरा कलर बच्चों दशमलव गुणांक को बताता है यानी पावर को बताता है। तो उसके लिए हम सपोज करिए हमारे पास तीसरा कलर येलो है, तो येलो के लिए बच्चों में 10^4 लूंगा, ठीक है तीसरे के लिए। और सबसे बड़ी बात है बच्चों का चौथा कलर है, तो चौथे कलर के लिए हमारे पास बड़े निश्चित है और वो हम मैं आपको बाद में बताता हूँ उस चीज के लिए। इसमें चौथा कलर जो है बच्चों इसमें तीन ही कलर हमें मिलेंगे, या तो हमें चौथा कलर होगा गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या फिर यहाँ कुछ होगा ही नहीं। अब यहाँ पे गोल्ड है बच्चों, तो यहाँ पे हम 5% लिखेंगे, यानी इसकी जो क्षमता है, इसकी जो टॉलरेंस पावर है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू निकालने में जो अधिकतम या न्यूनतम त्रुटि हो सकती है वो 5% है, ठीक है हम ये भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों सिल्वर के लिए 10% होगा, और जो अगर कलर ही नहीं है बच्चों इसके अंदर चौथा कलर यहाँ पे मिसिंग है, तो फिर हम उसकी टॉलरेंस पावर या उसकी सहन क्षमता बच्चों 20% मानेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमें चार स्ट्रिप मिलेंगी, अगर चौथी स्ट्रिप है तो हम इसका कलर देखेंगे, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा इस प्रकार से। तो बच्चों आपको मैं इसका याद करने का तरीका भी समझाऊंगा कि इतने कलर आप रटेंगे तो है नहीं, इतने कलर आपको याद कैसे करना है, तो उसका याद करने का तरीका देखते हैं हम। तो बच्चों जो कलर आपने टीवी में देखे थे उसको मैंने एक सेंटेंस के रूप में लिख दिया है, इसे अगर आप देखें तो बच्चों इसको ऐसे याद करेंगे जैसे आपने देखा था बी फॉर ब्लैक था, बी फॉर ब्राउन था, रेड आर फॉर रेड था, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो,
G4 आपके पास ग्रीन था, तो इस तरीके से जब आप देखते रहते हैं और फिर आपके पास B4 ब्लू था, V4 वायलेट था, G4 आपके पास ग्रे था, W4 व्हाइट था, तो इसको एक सेंटेंस रूप में बनाया गया बच्चों, इंटरनेशनल लेवल पे ये सेंटेंस याद करा गया है, इसको बोलते हैं बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंस मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, ये सिर्फ याद करने के लिए है। और सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक 9 तक जाता है, तो आपको ये याद हो जाएंगे, आप इन्हें याद करके अपनी टेबल बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इस पे बच्चों हम लोग एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम कार्बन कलर कोड पे, जिससे आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं। बच्चों एक कार्बन का प्रतिरोध है जिसमें वलय जो दिए उनके नंबर हमें दिए हैं, जो पहला वलय बच्चों येलो कलर का है, अगर यानी हम पहला वलय इस पे नाम लेते हैं येलो कलर का है, दूसरा वलय बच्चे रेड कलर का है, और तीसरा वलय ऑरेंज कलर का, सबसे लास्ट वाला बच्चों गोल्डन कलर का है, गोल्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए, तो आपके पास टेबल मैंने बनवा दी है और आप उसको बनाना जानते भी हैं, तो बच्चों सबसे पहले अगर बात करें कि पहला वलय अगर येलो है, तो आपको पता है पहले दो वलय जो है सार्थक अंकों के बारे में बात करते हैं, तो बच्चों जो येलो होता है वो 4 नंबर पे आता है, और बच्चों अगर रेड कलर की हम बात करते हैं, रेड कलर बच्चों 2 नंबर के बारे में हमें देता है, तो ये दोनों सार्थक अंक के बारे में देते हैं, ये दोनों 2 नंबर हो गए। अब जो तीसरा वाला होता है वो दशमलव गुणांक के बारे में बात करता है, यानी 10 की घात के रूप में बात करता है, तो अगर हम उसकी बात करें तो बच्चों कितना होगा, तो ऑरेंज कलर हमें 10 की घात 3 देगा, ये आप टेबल से चेक कर सकते हैं। बच्चों चौथा कलर होता है वो हमें एक तरीके से सहन क्षमता यानी टॉलरेंस पावर के बारे में बताता है कि उसमें कितनी त्रुटि प्लस या माइनस में हो सकती है, तो अगर आपको पता है गोल्डन है तो हम इसे कह सकते हैं प्लस माइनस 5% इस प्रकार से। तो बच्चों उस कार्बन कलर की जो प्रतिरोध की वैल्यू है बच्चों इतनी है 4×10³ प्लस माइनस 5, यानी इसमें 5% ज्यादा भी हो सकती है 5% या इससे 5% कम भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम किसी भी कार्बन कलर कोड का प्रतिरोध पता कर सकते हैं, और बच्चों इससे हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम किसी प्रतिरोध दिए हुए प्रतिरोध के कलर भी बता सकते हैं, मैं आपको वो भी क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो बच्चों इस बार हमें एक प्रतिरोध ये लेना है, अब हमें इस बार इसके कलर बताने हैं, यानी एक कलर जो प्रतिरोध है इसमें कौन कौन से कलर के वलय यानी हमें रिंग मिलते हैं। ठीक है इस प्रकार से, तो बच्चों आप टेबल अपने पास ही रखना जिससे आपको पता चल जाए, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक पहला रिंग होगा, दूसरा रिंग होगा, तीसरा रिंग होगा और एक चौथा रिंग होगा इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पहला रिंग हो गया, दूसरा रिंग हो गया, तीसरा रिंग हो गया, चौथा हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो एक सेकेंड थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले दो रिंग आपको पता है बच्चों नंबर के बारे में बात करते हैं, जो इसको हम थोड़ा सही करके लिख लें बच्चों, तो 37 इसको बच्चों 10 की घात में लिख लें 2, तो हमें थोड़ा सा सही से नजर आ जाएगा। आप देखते हैं ओम की, ये आप ओम का सिग्नल है, आप समझते हैं ओम का सिंबल इस तरह से बनता है 10%। तो बच्चों पहले जो सार्थक अंक होते हैं वो पहले दो वलय के रंग बताते हैं, तो आप देख सकते हैं, तो अगर आप टेबल चेक करेंगे बच्चों तो आपको टेबल में किस प्रकार से मिलेगा आप जानते हैं, सबसे पहला कलर जो होगा बच्चों, तीसरा कलर जो होगा बच्चों हमें किसके बारे में बात करेगा, वो ऑरेंज के बारे में बात करेगा इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो एक हमारे पास ऑरेंज स्ट्रिप हो गई, दूसरी स्ट्रिप जो होगी बच्चों सातवें कलर की वो हमारे पास वायलेट होगी, वो वायलेट होगी, बैंगनी कलर की होगी, तीसरा जो बच्चों दशमलव गुणांक है 10 की घात 2 वो आप देख सकते हैं बच्चों वो कौन सा होगा मेरे पास, तो हम कह सकते हैं बच्चों रेड होगा मेरे पास, रेड कलर, रेड। ठीक है बच्चों, और जो बच्चों हमें सहन क्षमता जो हमें टॉलरेंस पावर बताता है 10% प्लस माइनस, तो आप जानते हैं ये कौन सा होगा, तो बच्चों चौथा जो कलर होगा वो होगा मेरे पास सिल्वर इस प्रकार से। तो बच्चों हम किसी भी प्रतिरोध से देख के उसके कलर भी बता सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे कार्बन कलर कोड हो गए, और यहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपको हर चीज अच्छी तरह समझ में आई होगी, इसको आप ध्यान से पढ़ना, और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।